मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके और अपने चैनल में डेजर्ट टेक चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका जो पीसी होता है या लैपटॉप होता है, आप उसमें से वायरस को कैसे रिमूव करते हैं विदाउट एंटीवायरस। यस, ये बिल्कुल रियली ट्रिक है, इससे 100% वायरस रिमूव होगा। ये बहुत ही ईजी भी ट्रिक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स इन जो वायरस है उसको रिमूव कर सके अपने पीसी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो रन प्रोग्राम होता है ना उसको ओपन कर लेना है। ये आप विंडोज़ प्लस आर से भी कर सकते हैं या आप सर्च बार में सर्च भी कर सकते हैं रन प्रोग्राम। तो मैं विंडोज़ प्लस आर को प्रेस करता हूँ और रन प्रोग्राम मेरे पास ओपन हो जाता है। ठीक है, तो जब ओपन हो जाता है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर टाइप करना है PREFETCH। यस, आपको इसको टाइप कर देना है और इसको टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे क्या कर देना है, ओके कर देना है। ठीक है, ओके करने के बाद क्या होगा, आपके सामने अभी एक ये फोल्डर होगा, आपको इसको परमिशन दे देनी है, कंटिन्यू कर देना है इसको। और ये जब कंटिन्यू हो जाएगा तो ये आपके सामने कुछ टेम्परेरी फाइल्स दिखाएगा। ठीक है, तो इन सारी फाइल्स को आपको सेलेक्ट कर लेना है कंट्रोल प्लस ए से, और जो जो उसमें से डिलीट हो सकती हैं उनको आप डिलीट कर दीजिए, क्योंकि इसमें से पूरी डिलीट नहीं होंगी वो। ठीक है ना, तो देखिए आप जैसे कि देख सकते हैं ये कुछ फाइल्स हैं जो डिलीट नहीं हुई हैं, ये एक फाइल ही है। तो ठीक है, हमारी कुछ टेम्परेरी फाइल्स थी वो डिलीट हो गई है। आप रिफ्रेश करते जाइएगा, फिर से आपको विंडोज़ प्लस आर को प्रोग्राम को ओपन कर देना है और यहाँ पे अब आपको टाइप करना है ट्री। ओके, तो यहाँ पे TREE टाइप कर देना है। ट्री टाइप करने के बाद आपके सामने कुछ कमांड खुल जाएगा और ये अपने आप ऑटोमेटिकली वायरस को रिमूव कर देगा। ठीक है, ये कम से कम मुश्किल से 20-30 सेकंड ले लेगा। आप देख सकते हैं ये वायरस कुछ ज़्यादा ही है मेरे कंप्यूटर में, ये निकाल रहा है। ये आपके वायरस पे भी निर्भर है कि आपका वायरस कितना है आपके कंप्यूटर में, अगर ज़्यादा हुआ तो ये और भी देर ले सकता है। ठीक है, तो मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। फिर से मैं क्या करता हूँ, विंडोज़ प्लस आर को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे मुझे टाइप करना है clean mgr, फिर से ओके कर देना है। और यहाँ पे आपको सी जो भी डिस्क से आपको वायरस निकालना है उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो वैसे तो ज़्यादातर लोग सी ड्राइव से ही करते हैं क्योंकि इसमें विंडोज़ पड़ी हुई होती है हमारा, तो इसको ओके कर देना है। ठीक है, ओके करने के बाद आपके सामने कभी फोल्डर आएगा। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं जब आपका ये फोल्डर जो है ना स्कैन हो जाएगा ना, तब आपका देखिए कुछ इस तरीके का आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपने आप की जो फाइल्स हैं कुछ जिन पर टिक लगा हुआ है, आप इनको अनटिक भी कर सकते हैं और टिक भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, जैसे कि मेरा डाउनलोड प्रोग्राम फाइल्स पे है, टेम्प्रेरी इंटरनेट फाइल्स है जिनमें वायरस ज़्यादातर मिलता है, मैं रिसाइकल बिन पे भी टिक लगा देता हूँ जिससे मेरी रिसाइकल बिन जो है वो खाली हो जाएगी। तो आप टेम्प्रेरी फाइल्स पे भी टिक लगा सकते हैं, पर मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि वो कंप्यूटर अपनी तरफ से लगा के देता है, अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ और डिलीट फाइल्स पर क्लिक कर देता हूँ। ये आपकी जो ड्राइव है वो क्लीन नहीं हो जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं क्लीनिंग रिसाइकल बिन, तो मेरा जो ड्राइव है वो क्लीन हो गया है। तो आपको फिर से एक कमांड को यहाँ पे ओपन करना है, उस कमांड का नाम मैं आपको बताता हूँ। उस कमांड का नाम है ये जो है %temp%। ठीक है ना, तो आपको उसको ओके कर देना है। फिर से आपके सामने ये टेम्प्रेरी फाइल्स आ जाएंगी, फिर से आपको इनको वो कर देना है, सिलेक्ट ऑल कर लेना है और जो जो डिलीट हो सकती हैं उनको डिलीट कर देना है। तो देख सकते हैं आप, मेरा ये जो डिलीट का प्रोग्राम है वो शुरू हो गया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर फिर से स्केप करना होगा, जो फाइल्स नहीं हो सकती हैं उनका हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब जो आपका कंप्यूटर है वो वायरस से पूरी तरीके से रिमूव हो चुका है।
यस आप नहीं मानेंगे, लेकिन ये वायरस रिमूव हो चुका है। आप किसी से भी चेक करके देख लीजिए, आपका कंप्यूटर में बहुत फ़र्क दिखेगा आपको। ठीक है, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।